हेलो गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल बिलीवर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हर हाउसहोल्ड का एक बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्ट है, हर किसी के घर पे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ध्यान से देखिए, हर एक प्लेन मिरर में तीन लेयर्स होते हैं। सबसे सामने होता है एक स्लैब, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, समझ में आ रहा है? ये ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द लाइट क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे, है ना, इधर से उधर चले जाएंगे, बहुत ही कम लाइट इधर रिफ्लेक्ट होंगे। तो अगर आप इसके सामने खड़े होंगे तो एकदम फेडेड सा इमेज आपको दिखेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइट किधर चले आ रहे हैं, उस तरफ। तो आपको एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का लेयर डालना पड़ता है। तो इस ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब के पीछे हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक लेयर डालते हैं, जो कि सिल्वर भी हो सकता है एंड एल्यूमिनियम भी हो सकता है। तो ये ट्रांसपेरेंट थिन ग्लास स्लैब, उसके पीछे थिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोटिंग सिल्वर या एल्यूमिनियम, और उस कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे अपन क्या मारते हैं, एक रबर पेंट या कोई भी ऑर्डिनरी पेंट मारते हैं। तो क्लियर है कंस्ट्रक्शन, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, लेकिन उससे तो रिफ्लेक्शन ज्यादा हो नहीं पाएगा, इसलिए उसके पीछे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि सिल्वर और एल्यूमिनियम का हो सकता है, और उसके पीछे उस लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन रबर या कोई भी ऑर्डिनरी पेंट मारते हैं। अब अपन देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, मतलब आप कैसे अपना इमेज देखते हैं रोज। ओके, हटा दे इसको, क्लियर है? देखिए, नोट्स बनाते चलिए। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर अपन कैसे करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि जब भी रिफ्लेक्शन होता है एक ही लॉ लगता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो केस वन देखते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का अपन इमेज बनाते। ये प्लेन मिरर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये रफ सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो ले लेते। अब इस ऑब्जेक्ट से कितने रेज निकलेंगी, इनफाइनाइट रेज निकलेंगी, इधर भी रेज जा रही होंगी, इधर भी रेज जा रही होंगी। तो अपन कोई भी दो रे निकालते हैं, है ना, तीन चार रे भी निकाल सकते हैं, दो रे से ही डायग्राम बन जाएगा। तो एक रे मान लीजिए ऐसे गया, नॉर्मली गिर गया, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, जीरो। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगा, जीरो, मतलब ये अपने पाथ को वापिस रिट्रेस करेगा, सॉरी, इस तरीके से। ओके, तो ये था इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। कोई भी दूसरा रे ले लीजिए, मान लीजिए ये, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर को जाएगा, इसके लिए सबसे पहले आप नॉर्मल बनाइए। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। प्रोटेक्टर से सही से नाप करके आप बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो दो रिफ्लेक्टेड रे है ये डाइवर्ज कर रहे हैं, तो ये कहीं पे भी मिलने वाले नहीं है। तो अगर ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो इस तरफ तो इमेज बनेगा नहीं। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर है यहां पे, तो उस वो एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, उसके आंखों में लाइट तो आ रहा है, तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि ओ भाई साहब, ये लाइट जो है वो यहां से आ रहा है, ये देखिए। इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि लाइट कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यही हो जाएगा आपका इमेज ओ डैस। तो ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, समझ में आ रहा है? आप हर दिन अपना कौन सा इमेज देखते हैं, वर्चुअल इमेज देखते हैं, क्योंकि लाइट तो सारे रिफ्लेक्ट इधर हो जा रहे हैं, लाइट तो इधर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये आपका केवल इल्यूजन होता है, समझ में आ रहा? तो लाइट डाइवर्ज करके इधर जा रहा था, कोई ऑब्जर्वर है तो वो सोचता है लाइट यहां से आ रहा है। तो ये जो इमेज है ये कौन सा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। ओके, केस टू देखते हैं, हटा दे इसको। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं है, मिरर के सामने नहीं, तो इमेज बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। कोई भी दो रे निकालिए, मान लीजिए एक रे अपन ये ले लेते हैं, नॉर्मल बनाइए, सॉरी, अगर ये एंगल थीटा है तो सेम इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे चले जाएगा। कोई भी दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए ये रे, तो अब ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर को जाएगा, ध्यान से देखिए, ये जाएगा इस तरफ। अगेन ये दो रे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से क्या करेंगे, डाइवर्ज हो रहे हैं, ये कहीं पे भी जाके नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर कोई एक ऑब्जर्वर हुआ तो अगेन वो एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि अच्छा रेज कहां से आ रहे हैं, यहां से रे आ रहे हैं। आप दो के बजाय बहुत सारे रेज भी निकालेंगे तो सब एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होने वाले। तो ये अगर ऑब्जेक्ट ओ है तो उसका इमेज ओ डैश, तो ये अगेन वर्चुअल इमेज है, क्योंकि लाइट तो सारे रिफ्लेक्ट होकर इधर चले आ रहे हैं,
ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है जो अपना दिमाग क्रिएट करता है, समझ रहे। एक और केस देखते हैं, समझ में आ रहा है इमेज कैसे बनाएंगे? बहुत ही इजी है, कोई भी दोरे लीजिए और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसके ऊपर लगा दीजिए। केस थ्री, अपन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये। अब अपन क्या करने वाले हैं, ए पॉइंट का इमेज बनाएंगे एंड बी पॉइंट का इमेज बनाएंगे और उसको अपन ज्वाइन करा देंगे। तो ए का इमेज देखिए कैसे बनाएंगे, एक रे ऐसे गया, वापिस अपने पाथ को रिट्रेस करेंगे, ये देखिए। तो ये कहीं नहीं मिलने वाले हैं, तो इनको पीछे वर्चुअली इंटरसेक्ट करा दीजिए। तो ए का इमेज बन गया है ए डैश, वैसे बी का इमेज बनाइए ये और वापिस इसका अगर आप इमेज बनाएंगे थोड़ा इस तरफ, है ना, प्रोटेक्टर से एकदम सही इमेज बनेगा। ये फाइव एंगल है तो ये भी फाइव, तो ये बी का जो इमेज है वो कहां बन गया, बी डैश, ये लाइट डैश। तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, दिख रहा है? तो ए बी का इमेज ए डैश बी डैश। तो बहुत इजी है, आपको दो रेज निकालना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने, खुद ब खुद इमेज बन जाएगा। ओके, अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर जो इमेज क्रिएट कर रहा है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। बाय प्लेन मिरर, तो पहली प्रॉपर्टी बताइए क्या है, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं रोज अपने चेहरे को? सेम साइज, सही, आपका जो साइज है वो इमेज का भी साइज होता है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आती है कि ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, समझ रहे ना, जो आपकी साइज होगी वही सेम इमेज की भी साइज होगी। दूसरा है इमेज, सॉरी, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, मतलब एक रियल ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है जैसे मैं ऐसे हूं तो मेरा इमेज भी ऐसे सीधा सीधा ही रहे। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इरेक्ट मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं जैसे हूं वैसे सर मेरा ऊपर और उसका भी सर ऊपर रहेगा, सिंपल सी बात। तो प्लेन मिरर एक रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। आप एक और ऑब्जर्वेशन किए होंगे कि जो आपका मिरर से दूरी है वही सेम इमेज का भी मिरर से दूरी है। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इसको लिखना ऐसे चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ओके, और लास्ट प्रॉपर्टी और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि मेरे सामने एक मिरर, तो मैं अपना मान लीजिए राइट हैंड ऊपर करता हूं, अगर सामने मिरर है और मैं अपना राइट हैंड ऊपर करता हूं तो मेरा इमेज कुछ ऐसा होगा। तो मेरे इमेज का ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड, और ऑब्जेक्ट का ये कौन सा हैंड था, राइट हैंड था। एक और एग्जांपल समझिए, अगर एल लेटर का अगर आप इमेज देखें तो वो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, लेटरली इन्वर्टेड। ओके, एक और एग्जांपल है देखिए लेटरल इन्वर्जन का, ये देखिए,
अगर आप कैमरा पॉज कर दें, मतलब कैमरा पॉज करके इस पिक्चर पे फोकस करके प्लेन मिरर पे उल्टा देखेंगे, तो अभी आपको ऊपर वाला जो वर्ड है वो सीधा दिख रहा होगा, नीचे वाला उल्टा दिख रहा होगा। लेकिन अगर पॉज करके अगर आप पिक्चर को प्लेन मिरर में देखें तो ये आपको सीधा दिखने लगेगा और ये उल्टा दिखने लगेगा। समझ में आ रहा है? ये केस है एम्बुलेंस का। तो किसी भी एम्बुलेंस के ऊपर जो है सीधे लेटर लिखे रहते हैं और नीचे लेटरली इन्वर्टेड लेटर्स लिखे रहते हैं। तो इसका कारण है, ये लेटर किसके लिए है, जो जैसे एम्बुलेंस ऐसे आ रहा है और आप इधर से आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि अच्छा एम्बुलेंस आ रहा है। और अगर एम्बुलेंस आपके पीछे पीछे आ रहा है, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं और मेरे सामने एक रियर व्यू मिरर है और एम्बुलेंस ऐसे मेरे पीछे से आ रहा है, तो जब मैं इस लेटर को रियर व्यू मिरर में देखूंगा तो रियर व्यू मिरर क्या करेगा, उस इमेज को लेटरली इन्वर्ट कर देगा और मेरे को क्या दिखेगा, एक सीधा एम्बुलेंस दिखेगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब अपन चलते हैं। तो हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज देख लिया है ना, सेम साइज सेम डिस्टेंस, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, एंड ऑल इमेज आर लेटरली इन्वर्टेड। अब अपन कुछ यूजेस ऑफ प्लेन मिरर देखते हैं। तो देखते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो पहला यूज है, इट इज यूज्ड इन पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप। देखिए पेरिस्कोप सबमरीन्स में लगे रहते हैं, कुछ ऐसा होता है। ये देखिए सबमरीन्स पनडुब्बी जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये समुद्र है मान लीजिए और ये ऐसे सामने ऐसा टनल टाइप का बना रहता है, ये सबमरीन का एरिया है। तो इसमें दो प्लेन में रहते हैं 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो इधर से किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज रिफ्लेक्शन के द्वारा इधर खड़े आदमी को दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी को अपन पेरिस्कोप बोलते हैं। तो पेरिस्कोप जो है सबमरीन्स में यूज होता है, और कैलिडोस्कोप जो है एक तरह का टॉय होता है। तो इसमें कुछ कैलिडोस्कोप एक ट्यूब होता है जिसमें कुछ कलरफुल ग्लासेस होते हैं, प्लेन मिरर ट्रायंगुलर शेप में रखा होता है। तो जब आप उसको घुमाएंगे तो आपको कुछ कलरफुल पिक्चर्स दिखेंगे अंदर ही अंदर, ओके, घुमाने से। तो आप इसके बारे में थोड़ा यूट्यूब में देख सकते हैं अगर आपको कैलिडोस्कोप के बारे में और कुछ जानना हो। तो नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज है सेकेंड, प्लेन मिरर इज यूज्ड इन हाउसहोल्ड, मतलब घरों में यूज होता है, फॉर मेकअप एंड अदर यूज। ये तो इजी है ना, हर घर में मेकअप करने के लिए अपन प्लेन मिरर का यूज करते हैं, ब्रश शेविंग सब के लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्लेन मिरर का यूज करते हैं। थर्ड है, प्लेन मिरर आर यूज्ड इन शॉप्स, है ना, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहां हर तरफ अपन प्लेन मिरर लगा देते हैं ताकि रिफ्लेक्शन के कारण वो शॉप्स क्या लगने लगे, थोड़े बड़े साइज के लगने लगे। ओके, तो इसके और भी यूजेस हैं जो आप देख सकते हैं बुक्स में, अभी के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।